करिए ना सर। यारों की बात में स्वागत है आप सभी लोगों का। तीन चार अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सुबह सुबह ही ऑब्वियसली मनोज ने भी आपको खबर दी थी कि केएल राहुल की थोड़ा सा एक इंजरी स्कार जिसे हम कहते हैं, और ये अब लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन नेट्स में वर्ल्ड कप में आपने रोहित शर्मा देखे थे, यहाँ पर केएल राहुल को इंजरी हुई है, उस पर क्या फाइनल अपडेट है मनोज भी आपको बताएंगे, क्योंकि उस समय पर फ्रेश रहती है चीज़ें और हमें थोड़े वक्त के बाद पता चलता है कि चीज़ें जो है किस तरीके से आगे आई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बारे में बात हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो पाकिस्तान से खबर निकल कर आई, वो रमीज राजा से मुतल्लिक थी, और इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जो उनके चेयरमैन सेलेक्टर थे और उनकी पूरी की पूरी टीम, ये पता चल रहा है कि वो बर्खास्त हो गए हैं और एक ऑफिशियल जो गैजेट है वो आना बाकी रह गया है। ये खबर हमने आपको आज से तीन दिन पहले भी दे दी थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम रणजी ट्रॉफी के बारे में भी बात करेंगे, रणजी ट्रॉफी मुकाबलों के बारे में भी, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की जो मीटिंग है उससे क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के एक बड़ी चीज सामने निकल कर आएगी। मुझे नहीं लगता है कि कोच को लेकर के आप अभी किसी तरह की कोई बदलाव देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि क्या कप्तान और कोच आपको बदल देना चाहिए एक फॉर्मेट में, ऐसा नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में, या फिर सेलेक्टर्स की नियुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि सीएसी की तरफ से अभी कोई ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ है। तो काफी जगह थोड़ी सी ऐसी खबरें भी चल रही हैं जिनका मतलब अभी सर और पैर दोनों ही नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी सारी चीजों पर बात करेंगे। तो कहां से शुरू करना चाहेंगे आप लोग, क्या चीज आप लोगों के लिए प्रायोरिटी बनती है? बड़ी बात होता है बीसीसीआई की मीटिंग से कुछ बड़ी खबर आ रही है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई बड़ी खबर आने वाली है। नहीं, साधारण सी खबरें आएंगी, बड़ी खबर नहीं आने वाली जो लग रहा है आज का दिन का जो मतलब स्पेसिफिकली टी20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कप्तान का बदलना, ऐसा कुछ नियुक्ति हो सकती है, मतलब बोल्ड कॉल जो काइंड ऑफ चीज थी जो कहा जाता है कि यार, जो क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा देखो जो खिलाड़ियों का जो हम बात कर सकते हैं ना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो तो नॉर्मल है, वो तो आपका रूटीन वाली चीज है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी अपडेट्स है आई थिंक वो निकल कर आना मुश्किल है। नहीं, लेकिन इसमें इसमें एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं, अगर रोहित शर्मा ए प्लस से ए में आते हैं तो ये बड़ी खबर होगी। ये हो गया, अब दसवीं अगर विराट कोहली ए प्लस से ए में आते हैं तो फिर एक यानी कम्युनिकेशन कुछ हुआ है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जैसे हम कह रहे थे रविंद्र जडेजा को ऊपर क्यों नहीं भेजा गया, ए प्लस में क्यों नहीं भेजा गया, या हार्दिक पांड्या को ए से सी में क्यों डाल दिया गया, तो ये चीजें समझ में आ रही थी कि आप अब एक फॉर्मेट, या कुलदीप यादव को बाहर ही कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारी, या सूर्य कुमार यादव को प्रमोशन मिला, तो आप समझ रहे थे कि ये अब मल्टी फॉर्मेट्स खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, यानी अगर इन सब में से कुछ एक ऐसा होता है, जसप्रीत बुमराह को लेकर तो मुझे अब नहीं लग रहा है, लेकिन अगर रोहित शर्मा सपोज ए प्लस से ए में आ जाते हैं तो इसके बहुत बड़े मतलब आप जो कहते हैं बिटवीन द लाइंस आप पढ़ पाओगे, बीसीसीआई से कोई ऑफिशियल इस पे जानकारी नहीं आएगी कि भाई आपके अब सीनियर प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट लॉट, अगर हम देख रहे हैं कि अगले साल की जो विजन है वो खाली ओडीआई की तरफ ही एम्फेसिस आपका रहेगा, तो उसमें वो ऑफिशियल ये नहीं कहेंगे कि भाई ये सीनियर लॉट आपका ना टी20s नहीं खेलेगा, क्योंकि ए प्लस ग्रेड में आपका वही बंदा होगा जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होगा। ये भी खबर थी ना कि शायद रहाने को इसमें से बाहर हो जाएंगे सेंट्रल जो पर अभी उन्होंने भी दोहरा शतक लगा दिया, तो एक उनकी भी वापसी की अपनी उम्मीद होगी, तो ये भी रहेगी कि अगर उस लिस्ट में नहीं होते तो क्या फिर बीसीसीआई उनको आने वाले समय में देख रहा है कि उधर आएंगे या बाहर ही रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार को आपको देखना पड़ेगा, अर्शदीप सिंह को आप किस तरीके से देख रहे हो, अपग्रेड होते हुए देखोगे आप? नहीं, अब मेरे ख्याल से पहली बार इंटरव्यू अर्शदीप को तो आप लेके कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आप किस मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि भाई क्या आप ए में देख रहे हो, बी में देख रहे हो, सी में देख रहे हो, आई थिंक तो मेरे हिसाब से इस बार की जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भी आएगी वो भी काफी कुछ बिटवीन द लाइन्स आपको पढ़ने के लिए देगी कि क्या आगे आने वाले समय में, आने वाले जो 9 महीने हैं 10 महीने हैं उसमें आपकी सोच क्या होने वाली है। तो मैं तो उसका भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट किस तरीके से, कौन खिलाड़ी वापसी करते हैं, कौन बाहर हो जाते हैं, किनको डिमोशन मिलता है और किनको प्रमोशन मिलता है, ये चारों चीजें ही बहुत ज्यादा अहम होने वाली। बिल्कुल, लेकिन भैया सोशल मीडिया पे भी एक हाइप वैसे ही बनी रहती है कि यार सबको लगता है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली जो आजकल हमने देखा है कि इवन थोड़ा सा क्लिक बेटिश टाइप हो जाता है कि आप उम्मीद बहुत ज्यादा कुछ कर रहे होते हो, लेकिन आते जैसे कहते हैं ना ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस होती वही सारी चीजें हैं। तो जैसे धीरज भैया कह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा फैसला जो होता है ना कि किसी के एक्सपेक्टेशन से अलग ही हो गया, क्या ये तो वही मैं कह रहा हूं, देखो बड़ा फैसला जो आई थिंक सबसे बड़ी चीज है जो मतलब सबकी नजर है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा उसमें है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जो सही जा रहा है, बट आपका विजन जो क्योंकि वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, आप सडन ये वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद तो नहीं करोगे ना, फिर आप चांस नहीं दोगे, फिर आप बोलोगे नहीं यार इतने जल्दी नहीं बदलते। खैर बदलने को तो लास्ट टाइम पे ही जॉस बटलर बदले और उन्होंने चीजें भी बदल गई, होने को कुछ भी हो सकता है, पर इंडियन क्रिकेट में सिर्फ कप्तान बदलने से चीजें नहीं बदली, आपको टीम, आपको अप्रोच, आपको सोच, वो सारी चीजों पर काम करना है और जिसके लिए आपको थोड़ा विजन चाहिए लंबा। तो आई थिंक आज
अगर वो फैसला लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि विजन होना चाहिए आपके जो अनलाइकली है, लेकिन बिल्कुल बात सही नहीं है। तो नहीं, ये कोई बड़ा फैसला है अगर मान लो अभी अगर रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को T20 के कप्तान बना लिया जाए, ये तो सबसे बड़ी बात है। रोहित शर्मा को आप हटा नहीं रहे हो, आप रोहित शर्मा को ये जो मानसिकता, अगर ये लोग सोचते हैं कि आप रोहित शर्मा को T20 से हटा रहे हो, ये बहुत गलत मानसिकता है। आप रोहित को, आपको पता है क्योंकि रोहित को ODI देखना है अभी वर्ल्ड कप। T20 में आपको फ्रेश लॉट चाहिए, फ्रेश खिलाड़ी चाहिए, फ्रेश लेग्स चाहिए, फैक्ट है ये सबके, चाहे वो फिटनेस वाइज देख लो, चाहे वो अप्रोच वाइज देख लो। इवन जब राहुल द्रविड़ की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि यार थोड़ा अप्रोच वाली जो चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई 70 साल का आदमी आएगा कोचिंग करने तो वो भी अग्रेसिव कर सकता है, वो बात नहीं कर रहे, पर आपको एक अप्रोच चाहिए जो बदल ये ना बात करो। रोहित के साथ ये भी है कि शायद आप मुश्किल है कि वो अगला T20 वर्ल्ड कप खेले, और जो बड़ा फैसला ये जरूर रहेगा कि अगर आप कोच द्रविड़ को T20 में नहीं देखते, ये फैसला रहेगा उनके लिहाज से भी कि भाई आपके कोचिंग में हमने T20 में उतना अच्छा नहीं किया, वहां पर आप एक नई सोच लाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है बड़ा फैसला। रोहित इसमें रोहित का ये मानना होता है कि रोहित जैसे आप बोलते हो कि यार एक साल से शायद कम वक्त भी मिला है, चाहे वो राहुल द्रविड़ को आप देख लो या चाहे आप रोहित शर्मा को, उसको कैसे देखते हो? नहीं, मेरे को ये है कि आप अगर नेक्स्ट की स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप रोहित शर्मा को कैप्टन करता हुआ देख रहे हो, जो कि हाईली अनलाइकली है, जिसका जिसकी संभावना तो बहुत कम, रोहित में ये बोलूंगा फिर आप वेट किस चीज का करोगे? अगर आप जो आज जो मीटिंग होती है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप वेट करते हो फिर किस चीज का वेटिंग गेम चलेगा ये? क्योंकि BCCI ये मान रहा है, क्योंकि BCCI ये चाहता है कि रोहित शर्मा के साथ अभी परसिस्ट किया जाए। अगर मैं उनको लग रहा होगा एक अपॉर्चुनिटी और दी जा सकती है, वरना बड़े फेलियर भी तो हो गए उनके अंडर कैप्टनसी। आप और हम देख रहे हैं ना भैया, तो मैं कह रहा हूँ डिस्पाइट ऑफ दिस इंजरी, अगर BCCI को फैसला लेना होता, क्या परेशानी थी कि वो न्यूजीलैंड सीरीज में हार्दिक पांड्या को कैप्टन नियुक्त नहीं कर सकते थे? क्या कोई दिक्कत थी? नहीं, रोहित शर्मा वहां भी नहीं थे। अब सब कुछ तो हो चुका था ना, आपने चेयरमैन सेलेक्टर्स पे तो तुरंत फैसला लिया, उन पे अगर तुरंत फैसला ले लिया तो इन पे क्यों नहीं फैसला लिया गया? उस फैसले को देखते हुए फिर आपने अभी तक, मतलब जैसे यहां तक भी अभी तक आप आए हो, अब जो श्रीलंका की सीरीज शुरू होगी या जो आने वाली सीरीज है हमने जो खेल ली है, उसमें क्या आप उन्हें नियुक्त करते हो कि भाई हार्दिक पांड्या यहां से, मतलब एक कॉल अब तक ले ली जानी चाहिए नहीं, थी। बड़ा कॉल भी तब होगा ना कि अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं, खाली इसके तो इंप्रेशन आपको न्यूजीलैंड में दे दी ना, T20s में तो आपके हार्दिक ने कप्तानी करी, क्योंकि रोहित नहीं थे ना, क्यों नहीं थे, लेकिन आप उनको देख रहे हो आने वाले समय में रोहित शर्मा को? वही तो मेरा सवाल है, वही तो मेरा भी सवाल है कि अगर रोहित शर्मा को आप 2024 में नहीं देख रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो। आपको न्यूजीलैंड में ही ये तय कर देना चाहिए था कि हार्दिक पांड्या यहां से हमारा अगला T20 कप्तान है जी। लेकिन मे बी आप एक जैसा कहते हो ना, आपने एक एग्जामिनेशन दिया उसमें पास हो गए वो, अब आप ले लीजिए फैसला। वहां पर यार एक नहीं, वहां पर आपने ट्राई किया पास और क्या फेल, नहीं वहां पर आपने ट्राई किया कि एक सीरीज से क्या पास और क्या देख लिया आपने? ये तो आपने KL राहुल के साथ भी नहीं देखा ना, अभी उनको दो ही मैचेस हुए कप्तानी करे हुए, तो वही वाली चीज है, गोइंग फॉरवर्ड आपको एक और लेनी ही पड़ेगी, एक तो सक्सेसर होता ही है ना। और ये भी माइंड में होगा कि शायद जो हमारी अगली मीटिंग होगी उसमें हमें फैसला ले लेंगे, वहां पर कॉल ले लेंगे। हार्दिक पांडे इज द आइडियल सक्सेसर जो आपने कहा है कि रिपोर्ट, लेकिन जो वही मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि अगली मीटिंग होगी, मैं इस मीटिंग के आधार पर आपको बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत होता भी हूं और हुआ भी हूं, और मैं मानता भी हूं उस बात को कि मैं गलत होता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज मुझे ये चीज मुश्किल लग रही है कि आप एपेक्स काउंसिल की मीटिंग के बाद ये देखोगे कि एक नए कप्तान के नाम का T20 फॉर्मेट में ऐलान हो रहा है। हाँ, ये पर बिल्कुल वही है, देखिए जो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा, जो मेरे लिए सही नहीं होगा, पर वही है। मैं ये चाहता था कि न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान ही आपने जब सारे के सारे तुरंत फैसले ले लिए थे, उस समय पे आपने बहुत सारी बातें कह दी, आपने कह दिया देखेंगे, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, जो भी होगा जवाबदेही मांगी जाएगी, यही कहते आए हम हमेशा से। 2019 में भी यही कहा था कि CSE विल ग्रिल विराट कोहली, तो अब भी तो वो सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। क्या हुआ मीटिंग में हमें नहीं पता, किसको क्या कहा गया, अभी भी कहा गया था, बस एक उड़ती उड़ती खबर आई थी एक बार, अभी भी मिडिल ऑर्डर का कोई बैटर है, सीनियर बैटर है आपका, जो 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 शिकायत कर रहा था, इस मीटिंग में भी बड़ी बात है कि T20 वर्ल्ड कप हार के आपकी उसकी जो जो भी है वो चीजें होगी, बात की जाएगी, समीक्षा कहने को, मतलब आप, अरे वो तो खामियां थी आपको समीक्षा। अभी जो आप बांग्लादेश में हारे हो, इवन वो भी जो ODI सीरीज आप हारे हो, वो भी एक बड़ी चीज थी। एशिया कप में आप फाइनल में नहीं पहुंचे, 3-4 टीम वहां पर खेल रही थी, मतलब उस तरीके से आप देखिए, जो बड़ी टीम में तो आप ही थे, आप फाइनल नहीं पहुंचे, तो समीक्षा
आपको वहां भी करनी चाहिए थी। नहीं तो ये जब मीटिंग आने से पहले तो बात ये सारे पॉइंटर्स थे कि भाई इस पे बात होगी, इस पे बात होगी, इस पे बात होगी, जिसमें से कि अभी कुछ सामने निकल के नहीं आया। देखिए वो जो तीन चीजें तो इन्होंने रोहित शर्मा नहीं बदला जाएगा, कोच नहीं बदला जाएगा, समीक्षा नहीं होगी और बचा क्या फिर आपकी समीक्षा क्यों नहीं होगी? समीक्षा अगर होती, समीक्षा होती तो फिर कैप्टनसी पे भी फैसला आता ना। समीक्षा का मतलब रोहित शर्मा को आपने रोहित शर्मा को बता दिया, रोहित शर्मा वहां पे बोल देंगे समीक्षा वही है जो 2017 के फाइनल के बाद भी होगी, समीक्षा वही है जो 2019 के सेमीफाइनल के बाद भी होगी। वही तो कह रहा हूँ, समीक्षा का मतलब यही होता है कि जब आप उनपे खाना पूर्ति, एक मिनट मैं वही बता रहा हूँ, उनपे बात करने का मतलब ये है ना कि उस बात करने के बाद आप एक रिजल्ट पे पहुंचो और वो रिजल्ट ये होता है कि आप नया कप्तान चुनो वहां पे, वो रिजल्ट होता है। या तो आपने समीक्षा कर ली, आपने बोला कि नहीं रोहित शर्मा और कैप्टन को एक ही साल दिया है, अभी दो ही टूर्नामेंट आपने हारे, एक टूर्नामेंट हम और देख लेते हैं, तो उसकी समीक्षा करने का क्या फर्क पड़ा उसका? लेकिन प्रैक्टिकलिटी देखिए ना, अभी दो साल दूर है वर्ल्ड कप और रोहित शर्मा की आप एज भी देखिए, उनको एम्फेसिस करना है भाई टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई पे, यार वो पॉसिबल होगा क्रॉस फॉर्मेट खेल जाएंगे इस फिटनेस के साथ? बीसीसीआई तो तब भी 2007 में भी राहुल द्रविड़ के साथ जाना चाहता था ना, वो तो राहुल द्रविड़ ने कहा था कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, बिल्कुल मुझे कप्तानी नहीं करनी है। तब उन्होंने सचिन के पास गए और सचिन से पूछे, तब सचिन ने एम एस धोनी का नाम रिकमेंड किया कि भाई मैं भी नहीं करूँ कप्तानी, आपको किसी को देखना तब एम एस धोनी है, मतलब अगर कोई छोड़ेगा नहीं कप्तानी तो क्या आपका विजन नहीं है फिर? आपका क्लियर नहीं है और आपको इस चीज में क्लैरिटी नहीं दिख रही क्या? आप क्या देख रहे हो अभी जिस तरीके से रोहित शर्मा की फिटनेस है, तो आप देख रहे हो कि अक्रॉस फॉर्मेट सभी भी वो कंसिस्टेंट? ये तो वही वाली बात हो गई जो हम मैच खेलते हैं ना, कमजोर फील्डर होता है उसको हम छुपाते फिरते हैं, यहाँ लगा दो वहां, अपना नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, नहीं आप भी से आपको आगे लगाया जाता, आप भाग नहीं पाते थे बाउंड्री पे। नहीं रोहित शर्मा की अगर ये बात होती ना कि आपको अगर अगले साल में ये आपको ये देखना है कि भाई ओडीआई क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, उसमें आपने नहीं देखा तो आप रोहित शर्मा को चाहते हो, लेकिन T20 क्रिकेट तो जिसे कहते हैं सबसे सेफ ऑप्शन है बीसीसीआई के पास, तो भाई ले देके अलग करो। और आपको T20 सेटअप में तो कम से कम एक श्योरिटी मिलेगी फैंस को, जो जितने भी सब लोग हैं, कि भाई अब आपको ये तरह के क्रिकेट खेल देखने को मिलेगी अंडर हार्दिक पांड्या, तो सब एक विजन तैयार करेंगे भाई 24 का वर्ल्ड कप वही है ना कि ओडीआई और टेस्ट में जिसलिए उनको कप्तान बनाया गया था, अभी वो देखना भी नहीं, बाद में ये चीजें सामने नहीं आएंगी। हार्दिक पांड्या बोलेंगे कि यार मेरे को भी तो कम समय मिला था, जब आप लेट जाओगे, जब आपका वर्ल्ड कप करीब आ जाएगा तब आप फैसला लोगे कि हार्दिक पांड्या को बना देते कैप्टन, तब हार्दिक पांड्या पे कम समय नहीं होगा। बिल्कुल, इसलिए तो ये आइडियल समय है बिल्कुल, और आप देख भी रहे हो यार, आपने कह दिया आज कप्तान बनाना है, आज से एक साल बाद भी बनाओगे मामला वही रहेगा। ये सीधी सी बात है, आपके पास अभी जो सामने विजन है, आपके T20s के कितने गेम हो रहे हैं इस ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले? आपके मुश्किल से 10 गेम होंगे T20 के, इंटरनेशनल की बात करो 10 गेम होंगे, तो अगर आप उसमें किसी को एक को दे रहे हो, उसमें नए लड़के खेल रहे हो, तो आपकी तैयारी हो रही है, आप ओडीआई खेलो। वो भी जो कप्तान बनेगा वो भी अपने साथ टीम बनाना शुरू कर देगा ना यहाँ से, उसका जो विजन होगा कि यार और आपको कोई वैसी टीम तो मिल नहीं रही है जो आयन मॉर्गन छोड़ के गए थे कि भाई आपकी टीम ऊपर से नीचे तक सेट है, आपके ऑलराउंडर्स खेलेंगे ज्यादातर, आपके पास लड़के तैयार बैठे, आपके पास फॉर्मेट तैयार बैठा कि आपकी अप्रोच ऐसी है खेलना में, वो बेसबॉल क्रिकेट ही है T20 में भी, तो ऐसी आपकी कोई अप्रोच तो है नहीं, आपको तो पूरी चीजें रिबूट करनी है। इंडियन क्रिकेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो हमने अमूमन देखी है कि कैसी चीजें होती हैं, कैसे बड़े फैसले लिए जाते हैं या लिए नहीं जाते बड़े फैसले, पर ये तो आई थिंक अगर ये भी फैसला आप ले नहीं पा रहे हो ना, तो आपके क्रिकेट ना आगे जा रही ना कहीं, ना आपके कहीं जा रही है, आपके कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर ये फैसला भी लेने से आप नीचे गिर रहे हो ना, आगे तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की बात करते हैं कि यार उनमें फैसला नहीं, मनोज आ गए, मनोज बीसीसीआई की मीटिंग है, सुनील बोल रहा आगे जा रही पीछे जा रही कहां जा रही, आपको क्या लगता कहां जा रही? मैं वही सुन रहा था, तो मेरे को ये लग रहा था कि जितनी अर्जेंसी आप दिखा रहे हैं बातचीत में, उतनी बीसीसीआई दिखा रही थी, तो चीजें बहुत ज्यादा अलग होती है। मतलब वही है कि हम जितनी मर्जी बातें कर ले उनसे, मतलब वो जो आपने जो सैक वाली जो लिस्ट पकड़ाई थी कि ये हमारे सिलेक्टर सैक है, ये है वगैरह, क्या ये फिर क्यों खाना पूर्ति करते हो यार? लॉलीपॉप पकड़ा दिया। नहीं अभी भी आप देखो ना कि जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि रोहित शर्मा एज कैप्टन और एज प्लेयर इन T20 आई, वो तो फैसला उनको खुद ही ले लेना चाहिए कायदे से। मतलब अभी भी उनका क्यों वेटिंग गेम चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं भारत से? और अभी भी हम जो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अब तक कब अनाउंसमेंट होगी, क्या होगी, तो बीसीसीआई की तरफ से तो सारी चीजें हमने देखी है, और ये मीटिंग बीसीसीआई विल ग्रिल विराट कोहली, विल ग्रिल रोहित शर्मा, ये तो मतलब साल हो चुके हैं सुनते हुए ऐसी बातें, और उनसे कुछ होता नहीं है। मतलब समीक्षा आप कह रहे थे या कुछ भी कह लो, रिव्यू कह लो, समीक्षा कह लो, ग्रिल करेंगे, कुछ उनसे क्या निकलेगा? मतलब वो क्या पूछेंगे उस दिन, क्या कहेंगे? मतलब उस मीटिंग के अगर रिव्यू भी होगा तो परफॉर्मेंस पे बात होगी, तो उसमें क्या कहेंगे प्लेयर्स को, क्या कह देंगे कि आपने खराब क्यों खेला? वो बोलेंगे कि जस्ट बैड 45 मिनट्स, बैड 40 मिनट्स, यही जवाब आएंगे ना, उसमें क्या कहेंगे? या कोई बहुत ज्यादा होगा तो बोल देगा कि मुझे अपने पसंद के खिलाड़ी नहीं मिले थे, दो प्लेयर्स ही आपने उसके डाल दिए थे, दो प्लेयर आपने उसके डाल दिए थे, यही सब सुनने को मिलेगा। तो आई थिंक हाई टाइम है कि आप एक्ट कर लो, वरना जो आप पाकिस्तान में हालत देख रहे हो धीरे धीरे बनते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्क बस ये रह जाएगा कि आप बायलेटरल जीत रहे हो, आपके पास आईसीसी इवेंट्स में कुछ नहीं है,
यही फर्क रह जाएगा ना, बाकी ठीक है पाकिस्तान बायलेटर्स भी आ रहा है बट वो समहाउ आईसीसी इवेंट्स में फाइनल सेमीफाइनल यहाँ तक पहुंच रहा है, तो क्रिकेट कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? हम उनके माइंडसेट को भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनका कुछ जो हैशटैग आपने शो भी किया है कि कुछ पता नहीं प्लेयर्स जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको रियलिटी को फेस करना चाहिए जो सामने चीजें हैं, अगर आपको लग रही है कुछ चीजें। और क्यों मनोज एक बात है, जैसे रियलिटी की आप बात करो, आप चूंकि बांग्लादेश में खुद हो, आपके जो हमारी इंडियन टीम के कोच है फिलहाल राहुल द्रविड़, जब 2007 में करारी हार होती है, आप सुपर एट में क्वालिफाई नहीं होता, तब राहुल द्रविड़ बोलते हैं ना कि भैया मुझे कप्तानी छोड़नी है, उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे मैं अपने से सेटिस्फाइड नहीं हूं, जबकि उनको श्रीनिवासन ने बोला कि भैया अगर आप छोड़ते हो तो आपकी टीम में जगह भी चली जाएगी, आप ये भी ध्यान रखो, आपको इसमें भी दिक्कत, तो बोला भाई मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान भी तो होता है। पर ये मान के चल रहे ना, इन्होंने तो सक्सेसफुल स्टिंट था, सेमीफाइनल पहुंच गए, आप इंग्लैंड बेटर टीम थी हरा दिया, आप तो मान के चल रहे हैं उन्होंने वो दिया सक्सेसफुल वर्ल्ड कप था, ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वही तो कह रहा हूं, पर श्रीनिवासन से बातचीत, हम सेटिस्फाइड है कि हम सेमीज कर गए वहां पर, हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल गए, आप तो ये सेटिस्फाइड, हमारा तो बहुत अच्छा वहां पे कैंपेन था, कोई ये मान के नहीं चल रहा इट वाज अ फेलियर एंड इट हैज बीन अ फेलियर फॉर लास्ट पास्ट वन डेकेड, कोई मान के नहीं चल रहा तो इंग्लैंड से और मेन बात हो 10 विकेट से हार गया, तो मैं वही कह रहा हूं ये नहीं मानते मैं उस चीज को, लेकिन मतलब आप क्या देखते हो अगर बीसीसीआई में अगर ये चीजों पे नहीं हो के आता है, क्योंकि अभी तक जो लाइकली निकल के आ रहा है कि यार शायद बड़े फैसलों पे आप फिर वही देखो फिर मीटिंग करते हो ठंडे बस्ते में डाल दो, तो मतलब क्या किस काम का? नहीं इस साल तो वैसे भी यार अब जो हम तमाम डिस्कशन कर रहे हैं, इस साल तो ये भी बात हुई ना कि फोकस ओडीआई क्रिकेट रहेगा, तो जब टी20 क्रिकेट खेलेंगे आपके डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स, तो उसी में से कैप्टन होना चाहिए, और तैयारियों के लिहाज से भी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये वाला साइकिल नहीं खेलोगे पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, और 2024 में आप कैप्टन भी होगे, आप ही टीम चलाओगे और आपकी जगह भी बिल्कुल सेफ होगी, और 24 वाला मेरे ख्याल से अर्ली मतलब कि फर्स्ट हाफ मैच 24 वाला वर्ल्ड कप जितना मुझे याद है, तो 24 वाला ये नहीं कि जी आपका 23 का वर्ल्ड कप खत्म होगा फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आप सोच कर चल रहे हो कि एक साल है हमारे पास, मैचेस ऑब्वियसली हो सकते हैं मैचेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि 5-5 मैच वाली सीरीज अब हमारी इंडिया की है यहाँ पर, तो उस लिहाज से आपको प्रिपरेशन का टाइम जरूर मिल जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आपको वाकई में वो चीज देखनी है कि कुछ चेंजेस आप चाहते हो, जो चीजें आपको डिफरेंटली करनी चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर यहाँ से अगले 2 साल के बाद कितना बेटर होगा, आपको लगती है वो चीज किसी प्लेयर में इंडिविजुअल वाइज कि हाँ ये उससे बेटर परफॉर्म कर रहा होगा अभी, या फिर मतलब ठीक ठीक परफॉर्मेंस होगी, तो अगर ठीक ठीक परफॉर्मेंस है तो शायद अब वो नहीं चाहिए, अगर बेटर हो रहा है कोई आपको उस टाइम पे वो चैंपियनशिप जिताने में कोई रोल प्ले कर सकता है तब आप उसकी तरफ देखो और तब आप देखो, और बाकी प्लेयर्स अलग अलग हैं, फेल होना ही है तो कुछ नए खिलाड़ियों के साथ फेल हो जाओ, पर्टिकुलरली इन टी20 फॉर्मेट, सेम ओल्ड प्लेयर सेम आपकी वही सोच वही अप्रोच, और उससे बार बार ही आपको रिजल्ट के नाम पर तो कुछ नहीं मिला ना, फिर लोग बोलेंगे कि यही जाते तो क्या ये जीत जाते, जो जा रहे हैं वो भी तो नहीं जीते ना, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको टी20 में तो पर्टिकुलरली आपको जो आपके दिख रहे हैं जो आपके काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप टूर्स पर भेजते हो एक तरीके से कि वो जाकर घूम घाम के वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद अगली सीरीज में पता ही नहीं होता कि कहां पर है और क्यों नहीं है क्यों था, उस तरीके के फैसले अब चेंज करने चाहिए। लेकिन मनोज भैया सबसे कड़वा सच तो यही है ना कि जो हार मतलब आप यही कहते हो कि भाई जो बैकिंग होती है ना प्रिविलेज्ड वंस को ही मिलती है, लेट अस सपोज आपने जो ऋषभ पंत को हमने जो देखा वो आपको किसी और को जो आप उस विजन में देख रहे हो ना जो यंगस्टर्स आपको हमें जो लग रहा है अभी जो हम सोच रहे हैं कि यार 2024 वर्ल्ड कप में आपको वो दिखेंगे लेकिन वो आपको बैकिंग नहीं मिलती, उनको देखोगे यार एक आज बीच में कभी मैच मिल गया फिर आप देख रहे हो 6-7 महीने बाद मैच मिल रहा है, ये वही कोशिश करेंगे अभी भी कि जितना हो सके सीनियर लॉट वही आपको दिख रहे हैं कि 24 के वर्ल्ड कप में भी, अगर अब हार्दिक पांडे का फैसला नहीं लिया गया तो हार्दिक पांडे आएगा अपनी टीम चुनेगा, और वही है ना कि अगर आप वो सोचते हो कि जी इंग्लैंड क्रिकेट आपने पहले उनके ओडीआईज के सबने देखा किस तरीके से, अब सब उनके टेस्ट को देखेंगे किस तरीके से चीजें हुई हैं, तो सिर्फ आपको देखना ही है, अगर आपको अप्लाई करना ही है तो वहां पर भी फ्री हैंड दिया गया था ना ऑयन मॉर्गन को उधर, तो काफी टाइम पर हमने ये भी देखा था कि सिचुएशन ऐसी थी कि कोच ही सेलेक्टर था, तो वो तरीके की चीज मतलब आप रेडी हो एक्सेप्ट करने को, वो जो हम बात करें कल्चरल चेंज की आप तैयार हो उसके लिए कि आप करोगे वैसी चीज, ये भी देखना पड़ेगा ना कि या फिर वही कंजर्वेटिव माइंडसेट और उसी तरीके से चीजें चलनी है, थोड़ा सा इसको खुश कर दो थोड़ा सा उसको खुश कर दो, वो सब देखनी पड़ेगी सबको, जब सोच बदलने में ये वाली सोच बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट वो है कि वो डिसीजन मेकिंग अगर इंस्टेंट आप करना चाहोगे तभी होगी, और हाई टाइम हो चुका है टी20 क्रिकेट में तो जो हम बात कर भी रहे होते हैं लंबे टाइम से देखा, जब ये गठबंधन वाली आपकी सरकार चलती है फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं बार बार ऐसा इसको भी खुश करो इसको भी खुश करो इसको, तो ये वहां नहीं चल पाती ना चीजें, मैदान पर नहीं चल पाती, या आप ड्रेसिंग रूम में चला सकते हो या आप अपने मैनेजमेंट में चला सकते हो, जब मैदान में खेल रहा हो वहां पे आपको चाहिए होता है कैरेक्टर
जो वो करके दे, जो वो चीजें चाहिए। वही है ना, देखो अगर किसी की कोई बैकिंग है या तो चैंपियनशिप जितवा के दे दे, तब सब यही कहेंगे ना कि दे दो खत्म करो, तब तब थोड़ी कोई क्वेश्चन करेगा किसी के मूव को। बट आप अपनी मतलब अपनी बैकिंग को मतलब अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को उस तरीके से बैक के लिए दिखाई है जिसके लिए दिखानी है, फिर कौन सी चीजें वो है। हाँ, या तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करके दो। हमें लगता था कि यार शायद मे बी इंग्लैंड को एक बॉलर और खिलाना चाहिए, बैटिंग उनके पास अच्छी खासी है, एक बैटर शॉर्ट करके एक बॉलर खिला दो। उन्होंने उसी के साथ वो गए और वर्ल्ड कप जीत गए, तो कोई नहीं पूछने वाला। अब शायद वो आज मैंने बात करी तो थोड़ी दिमाग में आ गई हमारे, वरना हम उसके बारे में सोच तक नहीं देते, क्योंकि उन्होंने जो पिक किया मेथड उसके साथ उन्होंने चैंपियनशिप जीती उसी 11 के साथ उन्हीं खिलाड़ियों के साथ। बट यहाँ हमने प्लेयर्स भी बदलते रहे थोड़ा, कभी हमें भरोसा दिनेश कार्तिक पर हुआ, कभी थोड़ा भरोसा ऋषभ पंत पर हुआ, कभी हमें युजवेंद्र चहल नंबर वन स्पिनर लगे, कभी हमें लगा कि नहीं जी रविचंद्रन अश्विन तो आकर बस एकदम से इम्पैक्ट डाल देंगे कुछ, तो बहुत सारी चीजें बदली गई एकदम से। कभी हमें लगा कि एज अ बैटर दीपक हुड्डा बेटर चॉइस होंगे, जहां पर आपको दिख रहा है कि एज अ बैटर कोई भी बोलेगा कि यार ऋषभ पंत को ही खिला लो इससे बढ़िया, वहां पर दीपक हुड्डा खेलते हैं एज अ बैटर। एशिया कप में कहते हैं कि हम तो जी बॉलिंग ऑप्शन से पर आगे करवाया जाएगा उनसे, तो वो चीजें कोई गलती तो किसी तरीके से वैसे एक्सेप्ट नहीं की गई ना। अकाउंटेबिलिटी नाम की जो चीज है वो कभी किसी ने एड्रेस नहीं करी। बड़ी बेसिक सी चीज है, कल हम वुमेन्स क्रिकेट टीम का मैच भी देख रहे थे, हम 4-1 से हार गए, हमने हर मैच में 170 से ऊपर रन पड़वाए। आपके पास खिलाड़ी है, आपके पास युवा खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, पर आपके पास बोलिंग कोच नहीं है यार। अगर बोलिंग कोच आपका होता मदद ही करता है ना आपके लिए, वो कि यार आपको क्या करना है क्या करना। नो डाउट जो खिलाड़ी आते हैं वो प्लान्स अपना ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करते हैं, बट कहीं ना कहीं बिहाइंड जब आपको पता है कोई नया युवा खिलाड़ी आया है, जो लड़की ने उन्होंने डेब्यू किया था लेफ्ट आर्म पेसर, अब वो बिना बोलिंग कोच के आ रहे हैं, सोचो मतलब अब क्या बोलोगे तुम। जब आपके पास विजन ही नहीं है तो फिर आप बोलोगे इंडिया जीत जाए, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ये कर दे, वो कहां से होगा, होगा ही नहीं फिर आपके पास। नहीं, उसमें अब जो हम बात भी करते हैं कितनी कम, मतलब उधर से तो बस टीम्स आते हैं ना, कभी कुछ उस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो चीज नहीं रहती है। तो ये चीजें भी मतलब सिस्टमैटिक है, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, वो भी मतलब कोई किसी का सवाल हो ऐसा। देखो ये भी रियलिटी है कि सबके सब नहीं फॉलो करते वुमेन्स क्रिकेट इंडिया में, बट जो कर रहे हैं उनके तो मन में सवाल होता है कि ये खिलाड़ी क्यों बाहर गया, क्यों अंदर आया, कुछ क्या रीजन रहा, क्या लॉजिक है। तो वो चीजें आप एड्रेस ही नहीं कर पाते हो। उसके अलावा भी जो सारी आप बात कर रहे हो परफॉर्मेंस वाइज, पे वही लगता है ना कि भाई हरमनप्रीत स्मृति यही कर दें तो हम जीतेंगे। कभी कोई होता है कि एक आधी कोई परफॉर्मेंस इधर उधर से आ जाए, बस रिलायंस वही है उन्हीं के ऊपर है कि हाँ आप ही लोग कुछ कर दोगे तो थोड़ा सा कुछ आ जाएगी चीजें। हाँ अगर कुछ पूछ रहे थे आप दिल्ली भूल गया वो दिल्ली कोई नहीं कोई नहीं। रोहित आप नहीं मनोज, बाकी वही जो वहां पे हुआ है आज, क्या हुआ केएल राहुल का अगर आप थोड़ा विस्तार में बता पाए भाई, और क्या क्या रहा पूरा का पूरा। विक्रम राठौर ने भी जो बोला, मुझे आई डोंट थिंक मतलब मुझे लगता है कोई उतनी ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीज मुझे नहीं लगी उस तरीके से। लेट्स सी, मतलब जैसे उन्होंने भी कहा कि हाँ ऑब्वियसली कि मेडिकल टीम वगैरह देखेंगे उनको, और बाकी कुछ बहुत ज्यादा वैसा लगा कि जैसे आपको लगती है सिचुएशन कि हाँ कुछ चीजें अब होने वाली हैं, अब किस तरीके से होगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो कप्तानी नहीं करेंगे ना, मतलब मुझे नहीं लग रहा अभी एज ऑफ नाउ जो चीज है, अब उनकी क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि जब उन्होंने बोला भी तो उन्होंने बोला कि विक्रम राठौर ने भी बहुत ज्यादा उस चीज में वो नहीं दिखाई कि किस तरीके से क्या कुछ होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है वो अभी, उन्होंने बोला कि हाँ ऑब्वियसली जो मेडिकल टीम जो डॉक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं। बाकी कल कुछ चेंज लग रहा है टीम में या सेम ही रहेगी गेंदबाजी अपनी, तो मतलब उस तरीके से बेहतर ही हुई थी वहां पर। आप देखिए चाहे कुलदीप हो या फिर अक्षर ने भी गेंदबाजी की थी, थोड़ा बहुत सवाल अश्विन को लेकर था, लेकिन शायद ही हो कि कुछ बदलाव हो वहां पर। हाँ नहीं, बदलाव की तो वही चीज है जैसे हम वो भी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे चीजें, देखिए इस मतलब इसी मतलब ओवर पर कह सकते हैं कुलदीप सिंह आकर नेट्स कर रहे थे, उसके बाद उनकी कोई इंजरी की चीज आ गई थी, नेट्स में अच्छी खासी उस तरीके से बॉल डाल रहे थे। फिर सेम नवदीप के साथ भी हुआ, नवदीप भी उससे पहले वही प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करके गए तो उनकी भी वो चीज आ गई। वो भी चीजें हैं जो हम अब जो ये भी है ना, देखो फास्ट बॉलर जो जो आ रहे हैं वो इंजरी के चलते ही बाहर हो जा रहे हैं सारे, कितने सारे हो गए हैं ऐसे नाम। अब तो शायद वापस कर दिया ना कि नितिन जो है वो शायद एनसी वापस जा रहा है ना, वो तो वर्ल्ड कप तक थे बस, जो वो केकेआर के थे फिजियो हुआ गए थे पहले फिजियो वही होते थे आई थिंक, अगर मुझे याद है मुंबई के थे वो, मुंबई इंडियंस के, नहीं नहीं एनसीए में, इसके पहले कौन था, नितिन पटेल हेड करते हैं, नितिन पटेल करते हैं, अभी हेड ही करते हैं वो, वही है। तो आई थिंक वो सारी चीजें, क्योंकि अब वापस अगर हमें वही करना, आप पीछे जा रहे हो उसमें भी जा रहे हो पर ठीक जा रहे हो, क्योंकि आपने जो कुछ चीजें चेंज की थी और आपका वहां से भी इंजरी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता भाई, कौन खिलाड़ी कैसे हील कर रहा है, कैसे निकल रहा है, कैसे जैसे वो एक फॉर एग्जांपल बात कर ले,
किसी को कोविड हुआ है, वो ठीक हुआ नहीं, आपने उसको छोड़ दिया, नहीं नहीं जाओ, तो चीजें ऐसी भी चल रही थी कुछ कुछ एनसी में। तो एटलीस्ट कुछ चीजें आपको पटरी पे लानी पड़ेगी भाई, आपका मैनेजमेंट, खिलाड़ी कब तैयार होगा कब नहीं होगा। और जब राहुल द्रविड़ भी थे तब भी, क्योंकि हमने एक वॉशिंगटन सुंदर वाला केस देखा है, उन्होंने बोला नहीं भैया आप अभी रेडी नहीं हो, खेलने को आप खेल सकते हो पर चार दिन बाद लौट के आ जाओगे, इससे बढ़िया है पूरी तरह हील हो जाओ फिर जाओ। नहीं वहां पर थोड़ा सा जो बैकिंग की आप बात करें, अश्विन को आप लेकर आए, आवेश खान को बुखार हुआ फिर उनका ठीक ही नहीं हुआ, तो वो तो बहुत अबे यार मैं मतलब ये चीज भी आपके समझ के भारी है यार, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इतना साल भर भी मीटिंग, इस पे तो इस पे तो बहुत बड़ी बात होगी, डिसिप्लिन देके मतलब चल भाई तैयार है खेलने के लिए, उनका बुखार ही ठीक नहीं हुआ दो तीन महीने, साल भर लेकर आपने खिलाया उसके बाद फिर अचानक से गायब हुई, वो ड्रॉप हो गए ना, वो ड्रॉप उन पे भी अपडेट भी तो देने होती है, वो ड्रॉप थे और आप वो रणजी खेल रहे हैं, फिर वही बातें कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए और वो भी, वो आप आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यार, ये हमेशा से ऐसे ही होता है, किसकी वेंकटेश अय्यर का आज तक कुछ पता है आपको क्यों टीम से हटाए गए थे, उनको उन्होंने नहीं समझा उस लायक, जैसे आप हार्दिक पांडे की रिप्लेसमेंट बताया थोड़ी ना उसके लिए, सेम गोज विद वो आवेश खान, बिश्नोई को हटा दिया यार, बिश्नोई के लिए कोई अपडेट आई यार, अपडेट तो आपने सिलेक्शन के भी नहीं दी ना, अश्विन के किस बेसिस पे आपने चूज करा था अभी तक हमको ही नहीं क्लियर है, यही वाली बात है ना, आप नंबर 8 पे बैटिंग देने का जवाब आज अचानक से क्यों बोल रहे हैं आपकी, मुझे इस पे जवाब नहीं यार, आज बैठक थी हमें लगा कुछ अलग होगा, आप देखिए सिलेक्टर अभी आपके लिए जवाब चाहिए ना भैया, बात तो भी है ना कि जो सिलेक्टर हटाए गए थे अभी तक आपके नए सिलेक्टर भी नहीं बने हुए, वो पता नहीं कब बनेंगे, अगर हम यहाँ बैठ के ये सवाल ही नहीं उठाएंगे तो चर्चा ही किस बात की, वो तो हमें पता ही वो क्या करने वाले, आपको ये भी पता होता है कि आपको क्या चाहते हो, लेकिन आपको ये भी पता होता है वो करेंगे क्या, तो हम यहाँ बैठ के चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, चाय पीते हैं, नहीं नहीं चाय तो मैं पीता हूँ, चाय आप पीजिए, मैं कह रहा हूँ सवाल उठाना एक अलग बात है और जो आप मांग रहे हैं वो एक अलग बात, अगर चर्चा ही नहीं करेंगे तो क्या, वो तो हमें भी पता है, हमें भी पता होता है गोइंग फॉरवर्ड क्या होने, अब मुझे पता है कि भाई रोहित शर्मा इस वक्त तीन फॉर्मेट के कैप्टन से संभाल ही नहीं सकते, उनकी फिटनेस सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं टैलेंट स्किल्स की बात कर ही नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी रहेंगे, लेकिन हमें पता वो है, तो मैं वही तो चाह रहा हूँ चेंज का, मैं तो चाह रहा हूँ हार्दिक पांडे हूँ, लेकिन मेरे बोलने का कुछ फायदा नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आवेश खान पे जवाब नहीं दिया गया, ऑब्वियसली तो फिर हम तो पूछेंगे ना, हम तो चर्चा करेंगे ना, लेकिन वहां पे पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा, साल भर लेकर खिला रहे थे, राहुल द्रविड़ ने, मैं आपसे पूछता हूँ रविंद्र जडेजा की इंजरी में पता है क्या कहा था, कि भाई मुझे नहीं पता क्या कैसे लग गई, भाई बड़े तुम कोच किस बात के हो यार, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो बाहर हो भी पाए, मतलब आ भी पाएंगे या नहीं, मैं उस पर कोई एक, उन्होंने जो उनकी स्केट बोर्ड जो फ्रीक इंजरी उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी, हमने यहाँ स्टोरी करी थी कि भाई उस पे उनकी चोट लग गई थी, उसके कुछ अपडेट ही नहीं दी उन्होंने, एक बात बताओ, पता कैसे कुछ, मुझे एक बात बताओ, जो ये पॉसिबल है, आज हम इतनी बैठ के बात कर रहे हैं, जब विजन की बात आती है, सचिन ने एमएस धोनी का नाम क्यों पिक किया था, मुझे आप ये बता दो कोई कप्तान के लिए, क्या सचिन से जब पूछा गया था शरद पवार उनका नाम क्यों दिया था, जबकि आपके वाइस कैप्टन उस टाइम कौन थे पता है, युवराज सिंह थे, क्यों दिया था उनका नाम बताओ, मे बी उनके अंदर उन्होंने वो ट्रेड्स देखी हो कप्ताने वाली, क्योंकि आप बताओ क्या लगता है आपको, मुझे भी वही लग रहा है, रोहित तो बाद में छोड़ते हैं, सुनील आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्यों दिया एमएस धोनी का नाम सचिन ने, यंग थे उस टाइम, सबसे बढ़िया चीज युवराज भी था, युवराज वो भी थे बट वाइस कैप्टन थे, आरपी सिंह ज्यादा यंग, नहीं नहीं एक हो सकता है, रोहित शर्मा और ज्यादा यंग थे, रोहित शर्मा 19 साल के थे मेरे ख्याल से, यही रीजन रहा होगा, जबकि सचिन के ज्यादा करीबी अगर आप वैसे देखो तो शायद यूवी थे जो लाड़ले भी थे सारी चीज, ऐसे तो आप रणवीर राजा वाली बात कर रहे हैं, पुलिस के बेटे हैं तो स्लिप में, पर क्यों उन्होंने धोनी को दिया, ये होता है एक विजन होता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लड़का टीम में है जिसका स्वभाव ऐसा है या इस तरह का, इसमें वो क्वालिटी दिखती है जी, और उन्होंने साफ तौर पर बताया था, धोनी को ऐसा तो था नहीं कि कप्तानी करके एमएस और सचिन स्लिप में खड़े रहते थे, कि स्टेट की कप्तानी करते हो सारी चीजें की उन्होंने कभी, की बहुत एक्सपीरियंस रहा उनका कप्तानी का, उनका तो कभी नहीं था, वो तो एक कॉल लिया गया था, लेने का विजन था, आप आज के डेट में आपके पास विजन की भी कमी है बहुत ज्यादा, आज आप ले ही नहीं पा रहे हो यार, इट्स अ नो ब्रेनर, कोई क्रिकेट जो हमारे भाई भी हमें देखते हैं भाई, कोई हमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें बता देंगे, अगर ये कोई हार्दिक पांड्या को अगर आप नेक्स्ट T20 कप्तान नहीं मान रहे हैं ना, तो पता नहीं कुछ आपके साथ कमी है, T20 में तो आपके पास ऑप्शन भी यही है, हार्दिक के आपके पास ऑप्शन यही है, उसमें भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर आपको केएल राहुल आप इन फैसलों पे कंफ्यूज नहीं है कि आप ये कह रहे हैं ऋषभ पंत को आपने कहां डिमोट कर दिया, पुजारा बीसीसीआई बन गए, बीसीसीआई बड़े फैसले, बीसीसीआई शायद ये सोच रहा होगा कि भाई हार्दिक पांड्या ने एक ट्रॉफी जिताई है, ठीक है आईपीएल की एक ट्रॉफी जिता दी, रोहित शर्मा 5 जिता रखा है यार, आईपीएल की ट्रॉफी मायने नहीं रखती सुनील, मायने ये रखता कि आपका सिस्टम बने तो वैसे ही थे ना, वो आपकी T20 टीम कैसी है मायने नहीं रखता, ठीक है बने तो वो वैसे ही थे, क्या पता बीसीसीआई भाई देखो बीसीसीआई परसिस्ट क्यों कर रहा है उनके साथ, यार देखो अगर आप आईपीएल सोच के कप्तानी करोगे जिंदगी में तो मतलब देखो ये अच्छा कॉल है, तो हमने हार्दिक पांड्या को कैसे लिया, एमएस धोनी जब कप्तान बने थे तो इंडिया की कप्तानी करके आईपीएल की कप्तानी कर रहे थे वो, तो हार्दिक पांड्या में भी तो हमने वो चीज देखी ना, और आईपीएल से ही देखी, आप देख रहे हैं आपके सामने है क्या, सर पे है क्या, अभी डब्ल्यूटीसी है, अगर आप फाइनल पहुंचते हो तो
क्या पता रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी ना खेले, सीधे फाइनल में आ रहे कैप्टन बन के, ठीक है, तो वो भी उनकी कप्तानी में हो गए, जबकि आपको पता है आपने पिछले 10 में से 2 मैचेस खेले। लेकिन चलो हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा अगर इस पे आज नहीं लिया था कॉल या जो भी है, तो आप इसको विजन वाइज कैसे देखोगे? विजन वाइज मतलब फिर वही लगा कि वेटिंग गेम चल के आ रहा है, मतलब कोई विजन ही नहीं है ना, मतलब आपके पास आप इतना टाइम हो गया, अब तो वर्ल्ड कप हार भी को भी वक्त हो चुका है, तो मतलब दैट मीन्स आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना है, तो आपको डिसीजन लेने में अभी एज ऑफ नाउ इतनी वो क्यों है, मतलब किस बात की दिक्कत होगी अभी आपको? और यार ये बीसीसीआई से ज्यादा रोहित शर्मा को खुद कह देना चाहिए अब यार, मैं तो मानता हूँ इसमें बीसीसीआई का भी कम फॉल्ट है, पर क्या इसमें ऐसा exactly. अब तो रोहित शर्मा को कह देना चाहिए, विराट कोहली को कुछ मना करा था क्या? उसने खुद ही तो स्टेप डाउन करा था टी20 कैप्टनसी से। चलो वहां तो टेस्ट दोनों चीजें थी कि दबाव भी बनाया जा रहा था, झूठा भी बताया जा रहा था, बेइज्जती भी की जा रही थी, वो सारी चीजें थी। रोहित शर्मा को तो अब मतलब बीसीसीआई से ज्यादा मैं मानता हूँ, क्लेम तो भैया सब यही करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं कहा था, विराट क्लेम करने वही विराट आप सब बोलोगे हम तो हम बहस कप्तानी वाला मामला चल सकता था, नहीं विराट बात इतनी सी है कि रोहित अब बीसीसीआई को नहीं रोहित शर्मा को खुद बोल देना चाहिए, उनकी अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई विराट कोहली को तो आप ब्लेम कर रहे हो जो भाई फिटनेस भाई मतलब आप देख रहे हो कि लगातार क्रिकेट खेल रहा है, रोहित शर्मा पे कोई सवाल नहीं उठाएगा कि भाई आप कप्तान हो, आप पिछले 10 में से केवल 2 टेस्ट मैच खेल रहे हो। हमने तो उठाया ना कल पूरा का पूरा शो करा, तो मैं वो कह रहा हूँ बीसीसीआई क्यों नहीं उठा रहा है, इस बात में देरी क्यों कर रही है? कोई ये तो कह नहीं रहा कि भाई यार टेस्ट और ओडीआई से हटा दो, क्योंकि अभी आपकी नीड है, वो रिक्वायरमेंट है कि भाई वर्ल्ड कप भी सर पे एक साल ही है, आप उसमें बड़ा फैसला नहीं ले सकते, हार्दिक को एकदम से बना दो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एक साल में अपनी टीम बना दो। टी20 में तो इट्स अ नीड ऑफ द आवर ना, बीसीसीआई के फैसले सिर्फ क्रिकेट से नहीं चलते ना, बीसीसीआई के फैसलों के पीछे और भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी होती है, कई सारी चीजें होती है बीसीसीआई के फैसलों। फिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं नहीं करो आप, हमारा काम है अभी तो वो भी नहीं चलो आप भाई, जो ये जो बातें हैं ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाते, ये वो बातें क्योंकि नहीं, मतलब ये सिर्फ कप्तान हटाना भी और नया कप्तान लाना भी सिर्फ परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होता, बाकी चीजें भी इफेक्ट करती हैं किसी एक ऐसे फैसले नहीं, बट सबसे बड़ी बात ये है ना रोहित, ठीक है मैं बात मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अब तो बीसीसीआई भी बाद में करे, रोहित शर्मा को खुद कह देना चाहिए कि मैं अपने आप को 2024 वर्ल्ड कप के लिए नहीं देखता। देखो सबसे बड़ी फैंस के साथ खेलना, अगर रोहित शर्मा 30 साल के होते 31 साल के होते 32 साल के आप बोलते एज उनके साइड में, रोहित की फिटनेस आप बोलते फिटनेस और आप देते उनको बोलते ऑब्वियसली बात है बहुत, जैसे हमने बात करते हैं बाकी कप्तानों को मौके मिले पर हमेशा आप उनका एज ऑफ फिटनेस भी देखते हो कि यार कितना है यार, एक तो हमारे यहाँ खिलाड़ी ना अपने आप को गेम से बड़ा मानते हैं, मेरे ख्याल से राहुल कहते हैं कि यार विराट ओपन करेंगे तो क्या मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊं, जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी हूँ ऋषभ पंत बोलते हैं कि भाई आप 24 में मुझसे पूछ रहे हो 32 में मेरे स्टैट्स देखना, आपने 8 साल की अपनी श्योरिटी मान ली मैं ही खेलूंगा, ऊपर से आप देख रहे हो कि आपके कप्तान भाई देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट ही मिस कर रहे हैं, उनको हम सवाल ले नहीं रहे, तो ये प्राइवेट बॉडी की तरह ही रन कर रहे हैं ना, तो हम प्राइवेट बॉडी मैं वही कह रहा हूँ कि फिर हम इंडिया के तौर पे क्यों सोच रहे हैं, उनको जैसे रन करना है। एक बात बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस को ओडीआई का कप्तान बना देता, अगर हम इंडिया में होते तो क्या हम डेविड वार्नर को ही बनाते? क्योंकि हमको लगता है एक वर्ल्ड कप हमारा पास है, इनको बना दो, खिलाड़ी भी है थोड़ा रेपुटेशन भी है, या थोड़ा हम कहीं नहीं ना करते थे कि हम बोलते कि नहीं आप हटो ही मत, आप कर लो भाई वर्ल्ड कप भी कर लो आप, पता नहीं ऐसी भी चीजें हो सकती हैं अब तो, बट ऑब्वियसली वहां पर बल्कि पैट कमिंस को सबने कम एक्सपेक्ट किया था कि पैट कमिंस होंगे, जबकि पैट कमिंस ये उनकी अच्छी चीज है, पैट कमिंस ने मना किया था कि भैया वर्कलोड बहुत होता है, आप हलुआ मत समझो कप्तानी को, मैं टेस्ट में कर रहा हूँ, खुद वार्नर की बात करी थी, मैं टेस्ट में कप्तानी करूँ, ऊपर से मैं एक बॉलर भी हूँ फास्ट बॉलर जो लंबे लंबे स्पेल डालता है, तो मुझे दिक्कत भी होती है, तो मुझे ओडीआई का मत करो, पर फिर भी उनको दिया गया वहां पे, जबकि हमारे इंडिया में तो किसी से बोलो T20 करना बोला हाँ, T10 की करना हाँ, T5 की करना बोला, फास्ट बॉलर के साथ तो आपको वर्कलोड मैनेजमेंट समझ आती है, आप बुमराह को डे इन डे आउट सारे मैचेस नहीं खिला सकते, जसप्रीत बुमराह को आप डे इन डे आउट T20 ओडीआई टेस्ट लगातार नहीं खिलवा सकते, आप बैटर को ऋषभ पंत विराट कोहली के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो तो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं ना, वहां पे उसको पावर नहीं चाहिए भाई, बेन स्टोक्स को भी पावर नहीं चाहिए, ओडीआई का वो भी कप्तान बन के मजे ले सकता था, छोड़ दिया उसने फॉर्मेलिटी छोड़ दी, उसने क्रिकेट बढ़ानी है, तो बड़े फैसले ऐसे लिए जाते हैं, अगर आपको ग्लोबल लीडर्स वाली चीज है ना जो भाई क्रिकेट के वर्ल्ड में दुनिया में किस लीडर की बात हो रही है, बेन स्टोक्स के बारे में, आईपीएल में किस खिलाड़ी की बात हो रही है, एक बात बताओ आज जॉस बटलर इस टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, मेरे से बताओ ये जो टेस्ट टीम है वो उनमें आ जाएंगे और इनके साथ बेस्ट बॉल खेल सकते हैं, पर उनको उन्होंने वो साइड ही रखा है कि जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में वही है, प्रिविलेज मिल सकते हैं इंडियन क्रिकेट में, ये होता तो T20 वर्ल्ड कप का अगर वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है उसको प्रिविलेज मिलती है कि भाई तेरा मन है तू खेल ले, सही बात है ना, आराम से जॉस बटलर वॉक इन कर सकते हैं टेस्ट टीम में, हाँ मतलब अगर वो खेलना भी चाहें और उस तरीके की यही तो सोच है, उनकी चीजें सोच अलग है, उनका जो तरीका उनका अलग है, हमने कुछ करा नहीं फिर भी हम ब्रेक कर रहे हैं, हम तो चैंपियन टीम भाई, कुछ जीते नहीं तो किस बात के चैंपियन है, जो टीम बना रहे हैं मतलब उनकी, इसीलिए कहते हैं उन्होंने जो अपने जो बेसबॉल तरीके वाली टेस्ट में टीम बनाई वो T20 वाले खिलाड़ियों को वहां पर लेकर गए, जो पुराने खिलाड़ियों को लगातार बैक नहीं कर रहे, मौका दे रहे,
हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कप्तानी चेंज करने की, मतलब ये तो बड़ी छोटी बात है उस लिहाज से अगर आप देखा जाए। और अभी भी ये भी हो सकता है कि शायद 2000 जो अगला वर्ल्ड कप रहेगा T20 का, शायद वहां भी रोहित शर्मा कप्तानी करते दिख जाए फिर, हो सकता है शायद। मनोज भाई क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या उससे पहले बदलेगा चीजें? मतलब बहुत जल्दी बदल जानी चाहिए, फिर आप आधे में क्यों वेट कर रहे हो? फिर अगर आप अभी कंटिन्यू करो दैट मींस वही रहेंगे। हाँ। वो बदलने वाली कॉल तो आपको फिर अभी करनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे जब एक वक्त पर इंग्लैंड क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा था, तो हमने कहा था कि उनके जो बैटर्स हैं उस तरीके से आ ही नहीं रहे। एक नाम वहां पर लगता है हैरी ब्रुक, और हैरी ब्रुक टेस्ट से पहले हमने देखा था कि T20 खेलता है, तो T20 ही खेला वहां पर उसको उन्होंने टेस्ट, मतलब जहां पर उसको लग रही थी कि जरूरत है टीम को, और पहले उसको T20 में ही खिलाया फिर टेस्ट में खेला, तो उसकी परफॉर्मेंस अभी वहां पर भी देख लो। तो वो जो हम कहते हैं ना कि रोल स्पेसिफिक, जहां पर उनको जो चीज जैसे यूटिलाइज करनी है उन्होंने उसी तरीके से करी, और उनका उनको जो है फायदा भी मिला उस सारी की सारी चीजों का। तो मिक्स नहीं कहना, जैक क्रॉली तो फिर हमारे उधर होता तो वो खेल रहा होता वनडे T20, तो उसको बोलते अरे तो बड़ा अटैकिंग है इसको यहाँ भी खिलाओ, वनडे T20 भी खिलाओ, ये तो टेस्ट में इतना अटैक करता है तो वहां पर और ज्यादा करेगा। बट वहां टेस्ट खिलाया, विल जैक्स को भी उन्होंने टेस्ट खिलाया, वो भी आप देखिए वो भी ताबड़तोड़ तरीके से करते हैं। हां, क्रॉली का तो दूर दूर तक अभी नाम नहीं आता, एक उसी सीरीज में मेरे ख्याल से वो खेले थे जिसमें जो सब कुछ कोविड वाला इशू हो गया था, बेन स्टोक्स ने कैप्टनसी की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो क्रॉली खेला पहले टेस्ट, तो टेस्ट में ही रहा अटैकिंग होने के बावजूद। हैरी ब्रुक जो सबने ऑलरेडी मतलब सबको पता था कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए और ज्यादा बेहतर कर सकता है, बट उसकी जगह उनके लिए बनी T20 में, तो उसको T20 में ही उतारा, उसको ये नहीं किया कि नहीं यार इसको पहले टेस्ट में ही देखेंगे फिर सोचेंगे किसी और जगह पर। तो हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से भी देखते हैं। यार मेरे समझ नहीं आती इंडियन क्रिकेट में जब आखिरी बार कोई कप्तान को लेके लीडर को लेके एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला लिया गया था उसका हम सबको पता है क्या रिजल्ट निकले हैं। वर्ल्ड कप आप जीते हो, T20 वर्ल्ड कप आप जीते हो, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हो, तो भाई ये फैसले लेने से हमारे इंडियन क्रिकेट में डरते क्यों है लोग? उससे पहले भी तो हमने देखे थे उसमें किसी के माइंड में नहीं रहा होगा यार यहाँ से एमएस धोनी को कप्तानी, धोनी ने T20 वर्ल्ड कप से पहले कितनी कप्तानी करी थी कोई मुझे बताएगा? कभी नहीं की थी, कुछ नहीं करी थी कप्तानी, तो जीता है ना। आप अल्टीमेटली आप कैरेक्टर देखते हो, इंसान ढूंढते हो जिसमें यार विजन आपको दिखता है। आखिरी बार यही तक गया था भैया फैसला, हम पता नहीं क्यों सोचते हैं भाई, जिनके साथ सोच के देख ले उनसे भी तो रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो एक बार आप ये भी फैसला लेके देख लो। अब यहाँ पे हम पांच बैठे फॉर एग्जांपल, अभी हम बात करते हैं मनोज को मिला के 6, हो सकता है आप सीनियरिटी वाइज बोलो मनोज है, रोहित है, धीरज है, हम है, बट क्या ये 3 नहीं हो सकते? नहीं नहीं, आप भी हैं, ऐसा नहीं है हम सब बराबर के ही हैं, नहीं बराबर के, बट क्या उम्र में सुनील, जैसे सुनील तो अब साथ के, तो सुनील का भाई हो सकता है अलग कैरेक्टर, अलग वो आपको दे के दे दे, तो आप कई बार ढूंढते हो ये चीजें, आपकी टीम में सारी चीजें होती हैं, और कप्तानी सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने कप्तानी की है तो आप उसको उसमें जज करते हो, कई बार आप विजन ढूंढो, विजन ही नहीं आपके, आज के डेट में सबसे ज्यादा लैक ऑफ विजन जो साफ दिखती है। जो जो रूट खेल रहा है बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में, जो रूट जो खेल रहा है, और उसके बाद जो रूट जो बेन स्टोक्स के बारे में कह रहा है ओपनली, ये बोल रहा है कि भाई मेरे बस की ये चीजें नहीं थी, मतलब मैं एज कैप्टन ये चीजें नहीं कर सकता था, कोई बोलेगा इंडियन क्रिकेट में या कोई ऐसा तैयार होगा मामले को तो हमारे इंडिया में बोल देगा तो उसको बिल फाड़ दिए जाएंगे पूरे। हाँ, कल्चर का भी फर्क है वहां पर, सारी की सारी चीजें, और मतलब समझना टीम फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि टीम फर्स्ट, भाई सबसे पहले टीम है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो हम कंजर्वेटिव क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उसकी वजह है कि हम पहले अपने को देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स फर्स्ट, एक एक करके हम अपना सिक्योर करने वाली चीज है कि थोड़ा सा अपने को सिक्योर कर लेते हैं, इस तरीके से हो जाए उस तरीके से हो जाए, तो उसमें आप टीम को थोड़ा सा पीछे कर देते हो कभी कभी उस तरीके की चीजें में। और वहां पर आप देखो जो रूट जिस तरीके से कि यार वो तो मेरी कैप्टनसी में तो हम सोच भी नहीं सकते थे, बट बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में ये हुआ और उसने कर दिया और उसने करके दिखा दिया, वो एज अ लीडर ये है वो है, वो सारी चीजें अभी हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई बोल दे कि नहीं यार एज अ कैप्टन ही तो हमसे बेटर था, मतलब जो कैप्टन रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर चुका है अगर फॉर्मर कैप्टन्स में देखें उस तरीके से, मतलब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बिल्कुल बात होती है, बट उसमें भी आप वो उस तरीके से देखेंगे फॉर दैट मैटर कि जो आकर सीधे बोल दे कोई फॉर्मर कैप्टन की यार ये चीज मैं तो कर ही नहीं सकता था, कोई बोल सकता है कि मतलब जो फैसले थे कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इन सबको बोलना कि आप रोटेशन में या जो भी चीजें आप इस तरीके से खेलोगे, तो बोलेगा कि हमारे हम शायद ऐसे फैसले नहीं ले पाते, नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शायद ये सोच से बचेंगे कि हम खुद को छोटा कैसे दिखा दें। यही है भैया, सोच का ही डिफरेंस है। अच्छा, तब एमएस धोनी को इतना हाईली रेट करते हैं उनके स्पेशली व्हाइट बॉल फॉर्मेट कैप्टनसी में, टेस्ट बॉल क्रिकेट में तो उनके क्रिटिसिज्म ही हुआ था ना जब आप ओवरसीज 4-0 से हार रहे थे, विराट कोहली ने वो चीज दिलाया तो उनको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, विराट कोहली के अगर आप बायलेटरल्स में ओडीआई में नंबर्स देखो, दे आर एट पार विद द बेस्ट, लेकिन वो भी आपको टाइटल नहीं जिता पाए। बट आई थिंक टेस्ट बॉल के तो आपके रेड बॉल के तो सबसे बड़े कप्तान वो जिस एमएस ने आपको बड़े बड़े खिलाड़ियों को रोटेशन को उन्होंने विराट को बोला ना कि अब शायद, जब उन्होंने विराट को एक ही टेस्ट में देखा था ना एडिलेड में, उन्होंने बोल दिया था भाई कि शायद
एमएस कितने ओवरसीज दौरे में गए, सबको पता है, सबने देखा, टीम गई है, बॉलर्स नहीं उतरे, जो भी कह लो आप, आपकी टीम खराब, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं विराट को देखा, बोला कि यार इस खिलाड़ी में वो लग रहा है मुझे कि कैप्टेंसी कर सकता है और इसमें वो जिगरा दिख रहा है, तो उन्होंने इसलिए बोला था ना कि यार ये हमारे अगले कप्तान हो टेस्ट के, आदमी रिकमेंड भी तो करता है। देखिए भैया हम सभी यहाँ बैठते थे तो भाई इस चीज में शायद किसी ने सवाल भी नहीं उठाया था, बल्कि गोइंग फॉरवर्ड हम सबको पता था कि रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी के आपने इंप्रेशन देखे ना आईपीएल में, आपको लग रहा था भाई ये बंदा कुछ आपको डिफरेंस ला के देगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपको जो उनकी इंटरनेशनल कैप्टेंसी और आईपीएल कैप्टेंसी में ना जमीन आसमान का फर्क दिखा। आईपीएल कैप्टेंसी जो वो करते थे थोड़ा एग्रेसिव होती थी, मतलब एग्रेसिव रोहित का नेचर नहीं होता था, कॉल्स भी उनके बहुत बोल्ड थे। बट आप सोचो, मेरे को आज भी याद है जो एक मैच शायद ये मुंबई इंडियंस ही जीती थी, खैर वो मलिंगा ने आखिरी ओवर डाला था, मलिंगा का वो स्पेल उतना अच्छा नहीं गया था, तीन ओवर आई थिंक दो ओवर जो उन्होंने डाले उस मैच में, आखिरी ओवर उन्होंने बॉलिंग की थी। आप ये होती है आपकी गट फीलिंग वाली जो कॉल है, जो अभी आई थिंक केएल राहुल ने भी बोला कि हो सकता था हम खिलाएंगे, कुलदीप को खिलाते नहीं खिलाते, ये कॉल मेरा खराब पड़ जाता तो हो सकता मेरे लिए 25 चीजें लिखी जाती, पर मैंने बैक किया, मैंने खिलाया उनको। तो ये होता है आपका गट फीलिंग लेना, T20 में खैर आपके पास गट फीलिंग लेने का टाइम नहीं होता, आप एक कॉल इसको दोगे वो हो सकता है आपको अखड़ सकता है, टेस्ट में आपके पास लंबा टाइम है, आप उसको कहीं ना कहीं भुना सकते हो, आपके पास टाइम होता है, रिकवरी कर सकते हो, पर T20 में वहां लास्ट में बुमराह को लाना, फिर एक रन से जीते थे आप लास्ट में, ऐसा सीधा वो चीजें जो होती ना वो कॉल्स, वो आपके बहुत ज्यादा ध्यान दिया था इस बार आपके, अब जब से वो इंडियन टीम में कप्तान बने तब से वो चीजें मिसिंग है कि आप में वो देखो, क्योंकि आपके साथ भी उस टाइम होता थोड़ा एग्रेसिव कि रोहित शर्मा अरे ट्रॉफी है मेरे साथ लगी हुई है मैं ये कर लूंगा, करते हैं कॉल सारी चीजें हम तारीफ तब करते हैं जब आपके पास टीम भी रहती है उस तरीके। बिंदु भाई अगर हम ये कह रहे हैं इंडिया के पास बेस्ट 11 चुनने का नहीं है मौका तो फिर आप तो झूठ ही, पर यार जो अभी आप टीम लेकर चल रहे हो बेस्ट 11 नहीं है, उसमें वही तो कह रहे हैं रोहित शर्मा ऑलराउंडर नहीं ले पाएंगे, जो आप बार बार इंग्लैंड की टीम की हम तारीफ कर रहे हैं उनके पास ऑलराउंडर सुंदर से आपने निदाहास जितवा दिया, आप लेके जा रहे हो निदाहास में नए नए लड़के थे आपके पास, ठीक है नए लड़के वहां खेले थे, पर चूंकि वहां आपकी कप्तानी थी बेन स्टोक्स ने, कल ही हम बैठ के यहां बात करें, कल हमने बोला बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को उसमें हरा दिया, टेस्ट में हरा दिया, ये तो मतलब बहुत वैसी बात है, मैं तो बोलूंगा ये तो उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जितना उन्होंने उसमें हरा दिया था घर पे, क्योंकि ओडीआई में बुला के प्लेयर ही नहीं थे, लिविंगस्टन मनोज वहीं से हिट हुआ था, हां जो उन्होंने शायद 100 मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपकी अप्रोच की तारीफ होती क्योंकि बेन स्टोक्स वो करेक्टर, उसने बोला भाई कर सकते हैं बिलीव है, और उन्होंने यार उन्होंने जो पिंडी टेस्ट जीता उसमें भी तारीफ बनती है ना, उस पिच पर जहां पर लग ही नहीं रहा था नतीजा निकलेगा वहां पर उन्होंने रिजल्ट लेकर आए, तो उनका वही उनकी हम तारीफ कर रहे हैं उनका जो उसके पहले मनोज उसमें कप्तानी की थी बेन स्टोक्स ने, मुझे याद नहीं आता कि उसके पहले बेन स्टोक्स ने कभी कप्तानी की होगी, सडन उनको कप्तान बनाया गया था जब मॉर्गन को कोविड हो गया था टीम के साथ, आई थिंक वो साउथहैम्पटन वाला टेस्ट जो कोविड के बाद हुआ था वो एक जिसमें पिताजी बने थे जो रूट मतलब उसमें थे उनकी मतलब वो पिता बनने वाले थे, तो आई थिंक वो टेस्ट के अंदर उसमें भी नहीं आई थी परफॉर्मेंस ना, हार ही गई थी मेरे ख्याल से इंग्लैंड अगर मुझे सही याद है, हार गई थी जमेन ब्लैकवुड ने उसमें परफॉर्म किया था, तो फिर उस टाइम बल्कि लगा कि यार कि जो किस तरीके से बेन स्टोक्स कैप्टनसी करेंगे क्या कुछ रहेगा, बट उसके बाद आज देख लो आज चीजें टोटली डिफरेंट है, देखते हैं मनोज अब आगे मीटिंग में क्या आता है। बाकी रमीज राजा का मनोज कैसा देख रहे हैं आप भाई, रमीज राजा से पहले वो वाला जरूर मनोज भाई, रमीज राजा से पहले जो लगातार खिलाड़ी ट्वीट कर रहे हैं, जो आपने अभी बात की बैकिंग की मजदूर यूनियन वाले जो ट्वीट आ रहे हैं, जो वहां मुहिम चल रही है मुहिम, आपने बोला ना कि यहाँ कप्तान के लिए कोई ट्वीट नहीं करेगा, कोई इस तरीके की बातें नहीं करता, वहां तो शाहिन शाह और हारिस रऊफ ने तो आंदोलन छेड़ दिया, क्या मतलब वो हैशटैग क्या था मेरे को माइंड से मिस हो गया अभी, हैशटैग क्या था वो, सोचना मना है कप्तानी से हटाने के बारे में, बाबर आजम को सोचना भी मना है, हाँ ऐसे कुछ है, तो अब ठीक है फिर अगर वो खुश हैं, देखिए 3-0 खुश हैं, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस से खुश हैं, एशिया कप में ऐसे हारों से खुश हैं, और सोचना भी मना है अपनी क्रिकेट को बदलने के लिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखो, टीम हार रही है ठीक है, इंग्लैंड भी हार रही थी, बट जो रूट की उसमें परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लो, जो रूट की परफॉर्मेंस देख रहे हो और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज देख लो ना, ये कोई डाउट नहीं कर रहा कि वो खराब खिलाड़ी हो गए हैं उनसे नहीं हो पाएगा या फिर, बट वो समहाउ वो चीज नजर नहीं आ रही है अभी, अगर यार आप लड़ो झगड़ो, अगर आपको लग रहा है कि आपको उस तरीके की विकेटें नहीं मिल रही है, कुछ है चेंजेस चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए आपको, जब आपका ये स्टार्ट हुआ था T20 वर्ल्ड कप के बाद आपका चांस था कि आप WTC का फाइनल खेलोगे, वो चांसेस को आपने खुद ही कम करवाया,
हाँ उनका तो खैर अलग ही मसला है, मतलब अब वो भले यार टीम वाले देखो, अब टीम में आप भाई बनते से चलाओ बात अलग है, बट अल्टीमेटली ऑन फील्ड रिजल्ट दिखता है, चाहे आप बिल्कुल ट्वीट करो, चाहे सोशल मीडिया चलाओ, चाहे कुछ भी करो, और वो आपको भी मतलब, अब यार देखो सीधी सी बात, उन्होंने डरपोक कप्तानी की है, अगर आपने यही अच्छी, और सीधी बात है जो बिल्कुल मनोज सही कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको टीम नहीं मिली, आपको आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल आपके मन मुताबिक आपको पिचेस नहीं मिली, आप आओ ना खुल के बात करो कि भैया मुझे नहीं दिया गया, आप मुझे दो, मैं आप अभी आप चीजें मुझे दो, मैं आपको टीम को जिता के देता हूँ। और दूसरी बात है, आपने रोड में अपने रन के लिए या जो भी किया, वो तो आपने भी किया ना, आपने तो अपने बॉलर्स वही है के ना, हिसाब देखिए से। रूट ने कप्तानी छोड़ी, रूट के तो बहुत अच्छे रन थे, वो तो शायद सबसे बेस्ट उनका मैंने तो साल डे गया वन था जब ये वो। टेस्ट स्टार्ट हुआ था इनका पाकिस्तान वाला इंग्लैंड से, मैंने तो कहा था कि मेरे पास अगर शाहीन शाह अफरीदी बैठा हो, मेरे पास अगर हारिस राव बैठा हो, मैं तो तोड़ के रख दूंगा, ऐसे पिच दूंगा, तो हरी पिच दूंगा, करो यहाँ इंग्लैंड तो भी इन्होंने करे। ऐसे पिच दे दी कि वो टूट गए हाँ तो वही हारिस वाली बात राव, है ना, नसीम साहब और और रीजेंसी इतने, पे भी तो ये डिपेंड देखो करता है। अब उनको लग रहा है चाहे जो कैसे ही पूछे हो, बाबर के कप्तानी का तो मुझे उसमें कोई रोल नहीं दिखता, पर आप वर्ल्ड कप फाइनल खेल गए हो कि जब आप जिम्बाब्वे से हार गए, लोग आपकी थू थू कर रहे हैं आपके घर में ही, लेकिन वो तो उनके लिए अब शायद वो उनके लिए ज्यादा इंस्पायरिंग चीज हो कि भाई उसके कप्तान ने हमें तब मोटिवेट करा कि जब हम वी वर डाउन एंड आउट। तो सबकी सोच अलग है, बट आई थिंक अगर ऐसे टेस्ट कैप्टनसी होने वाली और उनके प्लेयर्स ही बैक कर रहे भाई हैं तो देखो, मुझे तो इसमें कुछ मोटिवेशन मोटिवेशन तभी काम आती है आकाश, जब मोटिवेशन के साथ जीत हो, मोटिवेट ऐसा नहीं हो गया कि कोई टीम नहीं करता। अंडर 19 जो बांग्लादेश की टीम जीती थी, उनके जो कंडीशनिंग हेल्थ, वो क्या बोलते हैं उनको, हेल्थ स्ट्रेंथ एंड एंड कंडीशनिंग कोच जो थे, उनकी कंडीशन मोटिवेशन देखो, जो बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, जी वो मोटिवेशन की वैल्यू तभी होती है अगर वो बांग्लादेश जीती तब आपको दिखी, वरना आपको पता नहीं चलता कौन था उनका मोटिवेशन वाला कोच था, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, और कौन जिताया था। तो आपकी जीत जब जुड़ती है ना, तब ये सारी चीजें उठती हैं, आपकी जीत आ नहीं रही मतलब है भैया अगर फिर क्या खेलने वाले मतलब। बंदे उनको इतनी बैकिंग दे रहे हैं, जो उनकी प्लेइंग 11 है, मतलब जो उनके साथ बंदे खेलते हैं, तो आई थिंक और किसी का बनता ही नहीं है फिर यार बोलने। दिक्कत क्या ना, तभी तो वहां के जो पुराने खिलाड़ी यही कहते हैं ना कि अपने दोस्तों दोस्तों को ही मैच खिलाते रहते हैं, जो भाई बंधु वाली बात कर रहे हैं, इसीलिए बैकिंग होती रहती है वहां पर, जो बार बार चीजें आपको देखने को मिलती है कि फिर सवाल उठता है कि टेस्ट में रिजवान क्या कर रहे हैं। अब सरकार किसकी बनती है जिसको मेजोरिटी मिलती है ना, तो वहां पे भी वही बात है। नहीं लेकिन मेजोरिटी आप जैसे हासिल कैसे कर रहे हो ये भी तो है। अब 17 तारीख को जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी, किसी का ट्वीट नहीं आया, इसका नहीं मतलब विराट कोहली खराब कप्तान हो गए। नहीं थे लेकिन उस वही मैं वही कह रहा वाली हूँ ना, चीज सवाल तो उस पे उठे तो थे वही ना मैं कह रहा हूँ। कि जिस अब बंदे ने अगर रोहित इंडिया शर्मा, को के पक्ष में दो खिलाड़ी डाल दें फोटो, कोई भी दो खिलाड़ी डाल दें कि यू विल बी माई कैप्टन एवर एंड फॉर एवर जो भी है, या आप ही मेरे कप्तान यार, ये थे तो वो हैं हो गया और ना रहेंगे। कोई पब्लिक रिलेशन बनाने तो नहीं, आए नहीं है अब यार। पीसीबी अगर मान लो कुछ मैं वही फैसला कह रहा हूँ ना, लेना ये कहीं से भी तर्क आप नहीं हुआ कि दो लोगों ने फैसला फोटो डाल लेके नहीं दी, लेगा, ये भी तो है भाई। देखो आप वो हम ये सबको पता है, फैंस को पता है, विराट कोहली सबको कप्तानी से हटाया टीम, ये इंडियन क्रिकेट का लॉस था। मैं वही कह रहा हूँ इंडियन क्रिकेट का लॉस था ये अब उतना इसमें साफ तुम नहीं कितनी होता जितना राजनीति आपको खेल दिख लो, रहा है, वही चीज है जो आपने राजनीति खेली उसका आपको दिख गया है। इसमें देखिए अगर मान लो रोहित शर्मा को मतलब मान लीजिए बीसीसीआई हटाना चाह रहा है कप्तानी से, और लगातार 2-4 खिलाड़ी ट्वीट करने लग गए, तो क्या वहाँ बीसीसीआई अपनी सोच बदलेगा और कि क्या अरे वो सही होगा? बीसीसीआई की तो कोई सोच ही नहीं है। बीसीसीआई की सोच होती तो हम सब भी तो यहाँ बैठ के उसको तारीफ करते। नहीं तो वही बीसीआई की सोच होती तो अब तक आपका T20 का सोच कप्तान है ना बदल गया उनकी कि होता। रोहित शर्मा कप्तान यार हाँ, अगर बहुत बढ़िया ऐसी सोच चीजें है। होती तो फिर आज सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर तो इंडिया में कभी नहीं आया, वो तो कप्तानी से उन्होंने रिस्पेक्ट कप्तानी छोड़ दी भाई, उनको दिख गया बड़ी, मेरी तो मतलब देखो क्रिकेट इमोशन है, और सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट के अंदर पहले थे, वाली दो क्रिकेट से उनको ऊपर भी नहीं हटाया थे। गया था तो आपको कई बार समझना पड़ता है कि आपका जो इंडियन क्रिकेट है वो सबसे ऊपर है, उसके बिल्कुल नीचे ही आएंगे सचिन, उसके नीचे ही आएंगे विराट, उसके नीचे ही आएंगे रोहित, उसके नीचे ही आएंगे बुमराह, जिसका नाम ले लो एक्स वाई जेड का। आपका इंडियन क्रिकेट ही सबसे ऊपर है, वो प्रायोरिटी वही है, और वो जो प्लेइंग 11 जो होती है ना होता था आपकी, भैया एक समय पे तो आज भी वही होना चाहिए। नहीं नहीं अब नहीं, अब नहीं आज होता भी था वही एक होना समय, चाहिए, भले चाहे आईपीएल आ गया, चाहे अब नहीं है। फ्रेंचाइजीज आ गई, चाहे कुछ भी उठा लो, नहीं है आपकी इंडियन प्रायोरिटी, इंडियन क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, वो आपको दिखता है, वो आपको फैसलों में दिखता है। जब इंडियन क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी तो होती थी, बात जब आप है देखते थे कि इवन टॉप तो फिर क्रिकेटर्स कोई को भी बात नहीं क्रिटिसिज्म सर, झेलना आप पड़ता था। लगातार क्रिटिसिज्म झेलते रहो, तैयार रहो, और पहले क्या। भैया सचिन द्रविड़ भी परफॉर्म नहीं करते थे, सचिन द्रविड़ गांगुली भी क्रिटिसिज्म झेलते थे, आज के डेट में सब सुपरस्टार बने हुए हैं, इवन केएल राहुल इज अ सेल्फ क्लेम्ड सुपरस्टार, अब इससे आप बड़ी तो चीज है ही क्या। भाई आज उस दिन वो ईशान किशन ने बड़ी अच्छी बात कही, आप स्पोर्ट्स यारी के शॉर्ट्स में देखेंगे, उसने बोला भैया कब किसको मौका मिलता है, जब जिधर मौका मिलता है रन बनाओ, जब जिधर मौका मिलता है, क्योंकि आप ये सोच के मत बैठो कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा मिलेगा, और देखो कोई किसी का ना हर खिलाड़ी का बल्ला बोलता है, बल्ला बोलेगा तभी आप ईशान किशन हो, वरना कोई नहीं हो, सीधी सी बात है। तो भाई आप आओ रन बनाओ, बल्ला जो बोलने के बाद परफॉर्मेंस भी नहीं देगा हो उसकी पाता बात कभी-कभी, है, तो नहीं है तो फिर बात ही खत्म है यार, फिर चाहे वो विराट कोहली चाहे रोहित शर्मा, उसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं निकल के आती है। चले चलिए जी, चलिए अभी इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए स्पोर्ट्स सियारी को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर जरूर करें, हमारी वेबसाइट को भी जाके फॉलो करें sportsyari.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारी चैनल है दूसरा सिनेमा बीस, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, और बाकी हमारे ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी हैंडल्स हैं उसको भी आप जाके विजिट करें, फॉलो करें, और ऐसे ही प्यार देते रहें। फिलहाल लेते हैं इजाज़त, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। हिंद।